वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो बीजेपी की मेंबरशिप हासिल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल जा रहे हैं। भोपाल में किस तरह की स्वागत की तैयारियां हैं वो हमने आपको दिखाई, लेकिन सुर्खियों का केंद्र जयपुर भी बना हुआ है, जहां पर कांग्रेस ने अपने विधायकों को रखा हुआ है। हमारे साथ शरद कुमार जयपुर से इस वक्त मौजूद है। शरद, विधायक तो वहां रखे ही गए हैं, लेकिन समस्या सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती राजस्थान सरकार के लिए, क्योंकि जो ट्वीट सचिन पायलट ने किया है वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में अगर खामियां हैं तो उन्हें जांचना चाहिए, और किसी नेता के मन में अगर कोई मन मुटाव है तो उसे दूर करने के प्रयास भी अंदर खाने होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पूरे मामले पर दिखाई, और यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। देखिए, जो विधायक आए हुए हैं तो फिलहाल वो रिजॉर्ट में अपने कमरों में बंद हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि चार दिन बाद यहाँ एक गहमा गहमी शुरू हुई है। सचिन पायलट अभी बाहर निकले थे 15 मिनट के लिए और फिर वापस अंदर चले गए हैं। इस मसले पर वो ट्वीट करने के बाद कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक दिखाता है कहीं ना कहीं कि राजस्थान में भी तूफान से पहले की एक शांति है, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जिस तरह से अशोक गहलोत बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समझाने की कोशिश होनी चाहिए थी। इस तरह से जो इनके समर्थक विधायक हैं ये भी यहाँ पर मिलने आ रहे हैं, तो एक सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। 3-4 दिनों बाद ये आए हैं और उसके बाद से ये एक पावर सेंटर बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट इस अवसर पर इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, अगर ठीक रहता तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। यही वजह है कि यहाँ पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि सचिन पायलट के साथ कितने विधायक यहाँ मिलने आते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मैंने ट्वीट कर दिया और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, निश्चित रूप से दिखाता है कि एक जो कांग्रेस में एक खेमा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से सहानुभूति रखता है, जो समझता है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है, उसमें सचिन पायलट हैं, और ये कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है कि जिस तरह से मध्यप्रदेश बिल्कुल। और देखिए शरद, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि कैसे एक खेमा ऐसा है कांग्रेस में जो अभी भी सहानुभूति रखता है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, उसमें एक बड़ा नाम राहुल गांधी का भी शामिल है, जो ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी उनके घर आ सकते थे और ऐसे ही हमेशा रिश्ता उनके बीच में रहा भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।